गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, दैट इज लाइट. ओके एंड स्टूडेंट्स, इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लाइट का. सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स. इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6, the very first question is define light and describe with an activity that light travels in a straight line. So students, सबसे पहले हमें light को define करना है, फिर हमें एक activity describe करनी है जिसमें हमें ये पता चले कि light straight line में travel करती है. So students, defining light. Light is a form of energy which when falls on the objects enable us to see them. मतलब light energy की एक form है जो कि जब किसी भी object पर पड़ती है तो उस कारण से हम उस object को देख पाते हैं. And students, remember this, that अगर homogeneous medium है then light propagates in a straight line. Light क्या होती है? Straight line में travel करती है. इसके लिए आपको book का activity लिखना है, activity number 3, which is on page number 71. Okay, now students, the second question is classify the substance on the basis of amount of light passing through them. Students, हमें substance को classify करना है on the basis of light passing through them. So हमने पहले भी देखा था, the substances are classified into 3 groups. Substances को हमने 3 groups में बांटा था on the basis of light passing through them. The very first is transparent substance, the second is translucent substance, and the third is opaque substance. So students, देखते हैं transparent substance क्या होते हैं. These are the substances through which light can pass completely. ये ऐसे substance होते हैं जहाँ से light जो होती है completely pass हो जाती है. Example के लिए air, water, etc. Okay. Now students, the second is translucent substance. Students, translucent substance वो होते हैं which allow only part of light to pass through them. यहाँ पे केवल part of light pass होती है, but things cannot be seen distinctly. मतलब हम blur image देख सकते हैं लेकिन हमें clear object नहीं दिखता है. Okay. Now students, एग्ज़ाम्पल जो होते हैं ट्रांसल्यूटेड सब्सटेंस के वो हैं ऑयल्ड पेपर, या आप कह सकते हैं फिल्टर पेपर, एट्सेट्रा. थर्ड इज ओपेक सब्सटेंस, तीसरा है ओपेक सब्सटेंस. द सब्सटेंसेस विच डोंट अलाउ एनी अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो थोड़ा भी अमाउंट ऑफ लाइट अलाउ नहीं करते हैं पास करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपेक सब्सटेंस. वी कॉल देम एज ओपेक सब्सटेंस. एग्जांपल के लिए वुड, मेटल्स, वॉल, एट्सेट्रा. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर शेडोज, एक्सप्लेन अम्ब्रा एंड निम्ब्रा. सो स्टूडेंट्स, अगर हम शेडोज को डिफाइन करना है सो हम कहते हैं व्हेन लाइट रेज आर स्टॉप्ड बाय एनी ओपेक ऑब्जेक्ट. जब लाइट रेज स्टॉप हो जाती हैं किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा तो एक डार्क पोर्शन जो होता है वो हमें क्या करता है, दूसरे साइड में उस ऑब्जेक्ट के दिखता है, सोर्स के अपोजिट, उसी को हम क्या कहते हैं, शेडो. दैट इज कॉल्ड एज शेडो. देयर आर टू कंडीशंस फॉर शेडो टू टेक प्लेस. यहाँ पे हम अम्ब्रा और निम्ब्रा का कॉन्सेप्ट देखेंगे. ये होती हैं फर्स्ट अम्ब्रा. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं टोटल डार्क एरिया अराउंड द लाइट सोर्स. जो डार्क एरिया होता है अराउंड द लाइट सोर्स. एंड द सेकेंड इज निम्ब्रा, जो कि पार्शियली डार्क एरिया होता है अराउंड द राइट सोर्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सोलर एक्लिप्स, हाउ डज इट ऑकर. स्टूडेंट्स, आपको बताना है सोलर एक्लिप्स क्या होता है और ये कैसे ऑकर करता है. सो स्टूडेंट्स, सोलर एक्लिप्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो इन सोलर एक्लिप्स बेसिकली होता क्या है, जो मून होता है, मून, इट कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ. सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, मून आ जाता है. आप यहाँ देख सकते हैं ये डायग्राम. सो द सोलर एक्लिप्स शुड नेवर सीन थ्रू नेकेड आई, इट मे डैमेज द आई.
Now students, fifth question is, explain lunar eclipse, how does it occur? आपको अब lunar eclipse बताना है और ये बताना है कि कैसे ये occur होता है. So students, in lunar eclipse, the earth comes in between the sun. इसमें क्या होता है, earth जो है sun और moon के बीच में आ जाता है. You can see students in this diagram, आप इस diagram में देख सकते हैं, अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ रहा है. द एक्लिप्स ऑफ मून टेक प्लेस ऑन अ फुल मून लाइट. जो ल्यूनर एक्लिप्स होता है वो कब ऑकर होता है, ये फुल मून लाइट में ऑकर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू क्लास. स्टूडेंट्स राइट डाउन द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो राइट डाउन द एक्टिविटी 3 इन द आंसर ऑफ क्वेश्चन first. Okay? Thank you, class.